नमस्कार दोस्तों। तो एयरफोर्स XY ग्रुप में दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ 2021 का, और एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड होता ही जा रहा है। आपको दोस्तों पता ही होगा और आपको बताया गया था कि आपका एग्जाम जो है मई के 31 तारीख तक आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका एग्जाम जो है इस बार भी अब भी पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि जैसे आपको भी पता होगा और सबको बताएगा दोस्तों, कोरोना महामारी का इतना प्रकोप बढ़ रहा है कि कुछ भी कराना नामुमकिन सा हो रहा है। हम कहते हैं हमारे कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है अपने हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम जो है अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको भी बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एयरफोर्स एक्स वे ग्रुप के जो भी कैंडिडेट फॉर्म देखते थे, सॉरी इसकी भर्ती देखते थे, फॉर्म भरते थे, तो आपका भविष्य जो है एक गड्ढे में जा रहा है। तो हम गड्ढे में कैसे जा रहा है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और प्रॉपर जानकारी अब आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा साल में 2 बार भर्ती निकलती थी एक्स मतलब एयरफोर्स में XY ग्रुप की, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, पिछले साल से आपको पता ही होगा कि केवल एक ही भर्ती हुई थी, दूसरी भर्ती अभी जनवरी में आपकी आई थी, लेकिन उसका आपका एग्जाम नहीं हुआ था। लेकिन बोला गया था एग्जाम जल्द ही होगा, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी के चलते नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि अभी मई के बाद में आपको बताया जाएगा, लेकिन हम बता दें आपको अक्टूबर नवंबर के आसपास ही आपका ये एग्जाम दोबारा होने वाला है। और जो दूसरी भर्ती निकलेगी आपकी जुलाई वाली, वो भर्ती नहीं निकल सकती है इस बार, क्योंकि कुछ जो चांस ऐसे ही बन गए हैं कि आपको जो है एक ही भर्ती देखनी पड़ेगी इस साल, और जैसी जानकारी आएगी उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो ये तो इसका तय है कि ये एग्जाम पोस्टपोन होना ही होना, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया की भर्ती होती है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एक साथ एग्जाम नहीं दे सकते। अगर एक जाके सॉरी एक साथ जो एग्जाम देंगे तो कोरोना फैल सकता है, तो इसकी वजह से अभी आपको जो है एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बता देते हैं वहां पर क्या जानकारी है। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी 31 मई की जानकारी, 31 मई को ये अपडेट करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी PSL भी अटकी हुई है 2021 की, वो भी नहीं आई है। उन्होंने बोला कि 30 अप्रैल को आने वाली थी, लेकिन 31 मई को ये जो कोरोना के चलते आएगी, ठीक है। तो उसी लिए ये भी आपकी पेंडिंग में अटकी हुई है। तो ऐसे ही आपकी जो एग्जाम है वो भी अटका हुआ है। तो वो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को रेगुलर आपको देखना है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों आप लोग अपना पढ़ना बंद मत कीजिए, ये भर्ती नहीं तो कोरोना जाएगा, तो आपके साथ कई भर्ती आने वाले। क्यों? क्योंकि किसी के साथ मतलब गलत काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे जो मेन बात होती है एयरफोर्स चेक्स वगैरह ग्रुप में वो होती है दोस्तों आपकी एज लिमिट की। अगर आपके हिसाब से और आपके हाथ में से जो मौके चले जाएंगे, और मौके वो आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही भर्ती हो रही, तो कई मौके तो आपके से निकल गए और आपकी डेट ऑफ बर्थ ओवरेज हो जाओगे तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। तो उसी के हिसाब से हमको जितनी आशा है, जैसे ये कोरोना महामारी खुलेगी तो आपके लिए कुछ बम्पर भर्तियां या सरकार कुछ अलग कर सकती है, उसके लिए तैयार रहें। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद मत करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जरूरत पड़े तो कभी भी कैसे भी भर्ती हो सकती है किसी भी काल में। तो उसकी वजह से अपना ध्यान जो पढ़ाई से ना हटाएं और पढ़ते रहें, ठीक है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं। धन्यवाद उस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक हमारे चैनल पर रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यार भरी दिल से राम राम।